हाउस मूवी कैसी क्या बताई है? बागी टू देखकर। अरे बागी द मूवी वॉज अमेजिंग, एक्शन सस्पेंस ड्रामा बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज अ मस्ट वॉच, वेरी नाइस। इट वॉज गुड वन टाइम वॉच फॉर श्योर। द सेकेंड हाफ वॉज गुड बिकॉज देर वॉज नो दिशा इन इट। Tiger was beyond expectation. I think it's the first time that I really liked him. Movie was good. First half मुझे बहुत slow लगा and overall film अच्छी थी thanks to Tiger Shroff and उनकी performances and बहुत सारा action था as an audience. और Jacqueline Fernandez को एक दो तीन गाने में देखने it was a delight to watch and मज़ा आया film देख के। मुझे अच्छी लगी film, action film है और action film में जो मुझे देखना मन करता है तो मुझे दिखा, मतलब भरपूर action था, थोड़ा बहुत इमोशंस था और थोड़ा बहुत कहीं भाई आपको हंसी भी आई, मतलब नॉट बिकॉज कॉमेडी है लेकिन कहीं कहीं एक जो जगह पे हंसी भी आती है तो आपको एंटरटेन करती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज एक्शन फिल्म है और वो आपको जो एक्शन फिल्म में चाहिए वो मिला। फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म का जो ओपनिंग सीन है उसे मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पूरी फिल्म की बेस है कि किस तरह टाइगर श्रॉफ को आप एक नए अवतार में इस फिल्म के माध्यम से देख पाएंगे। हाँ फिल्म तो है अच्छी है, टाइगर ने काफ़ी मेहनत की है और अच्छा काम भी किया है। फर्स्ट हाफ इज अच्छा है पर सेकंड हाफ थोड़ा सा कहीं स्क्रिप्ट में लूज है। मूवी वॉज रियली ग्रेट, आई मीन टाइगर श्रॉफ एंड रणदीप हुड्डा वॉज रियली रियली नाइस कि एक्टिंग और एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और रणदीप हुड्डा का गेटअप और लाइक जो भी वो फील था कैरेक्टर में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छी फिल्म है लेकिन थोड़ी सी अननेचुरल है। ओवरऑल अच्छी लगी मुझे, बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी मुझे देखने को मिली जिसको मैंने पसंद किया। फिल्म का संगीत कैसा है? संगीत भी अच्छा लगा मुझे, एंजॉय किया। फिल्म का ओवरऑल म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, एक दो गाने और अच्छे हो सकते थे लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल गाना जो म्यूजिक है वो अच्छा है। जैकलिन का गाना, जैकलिन ने बहुत एफर्ट किए हैं लेकिन जो कोरियोग्राफी है वो मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि माधुरी का जो गाना है वो इतना आइकॉनिक है कि कोरियोग्राफी की वजह से वो गाना खराब हुआ, अन्यथा जैकलिन ने बहुत अच्छा काम किया। म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक द ओल्डर वर्जन वाज बेटर, नाइस बिकॉज आतिफ वाज देयर एंड इट वाज गुड कंपोज्ड, नाइस। 5 में आप कितने दोगे? म्यूजिकली अच्छी है 50-60%, बट ऐसी मूवीज के लिए म्यूजिक इतना नहीं चाहिए, मतलब वो एक्शन ड्रामा सब कवर अप कर देता है। और गाने ओवरऑल ठीक थे, अगर ये अगर न्यू गाना होता तो अच्छा लगता, लेकिन ये गाना जो एक दो तीन था वो माधुरी दीक्षित की रीमेक गाने थी तो उस अगर उससे कंपेयर करते हैं तो गाना बिल्कुल कुछ खास नहीं है, मतलब बेकार लगा मुझे। इट्स नाइस, इट्स गुड। म्यूजिक अच्छा है लेकिन एक दो तीन गाने ने बहुत निराश किया क्योंकि जो माधुरी का डांस था उसकी इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आया देखने में। म्यूजिकली ओके भी, लेकिन फिल्म में म्यूजिक की बात है नहीं, ये फिल्म एक्शन थ्रू आउट है और म्यूजिक जहाँ पे है वो ठीक है, अच्छा गाना है, लेकिन आपको ये म्यूजिक सुनने के लिए मत आओ फिल्म देखने के लिए, ये फिल्म एक्शन के लिए आओ। टाइगर श्रॉफ का एक्शन है और टाइगर श्रॉफ को मारते पीटते मज़ा आ जाएगा। जैसे एक दो तीन इतना अच्छा गाना है फिल्म में, बाकी थोड़े इमोशनल जैसे स्टोरी को कैरी कर रहे हैं पर वो बहुत अच्छे हो सकते थे, वो ठीक ठाक थे। दिशा, टाइगर, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा सब, आई थिंक एवरीवन एक्टेड वेरी वेल एंड एक्शन तो बहुत ही अच्छा था। दिशा ने भी बहुत अच्छा काम किया लेकिन पूरी फिल्म टाइगर की है, टाइगर ने जिस प्रकार का एक्शन किया है मुझे लगता है वो एक इंडिया में नए तरीका का जॉनर, नए तरीके का एक्शन अब इस फिल्म के माध्यम से लोगों को देखने मिलेगा। मनोज बाजपेयी का तो क्या ही कहना, उनके डायलॉग्स सब कुछ बहुत बढ़िया थे। रणदीप हुड्डा ने एक यूनिक कॉप का अवतार देख के बताकर बहुत ही एंटरटेन किया है। टाइगर तो एक्शन का एकदम मतलब गुरु बन गए हैं बॉलीवुड में और दिशा स्वीट सिंपल, शी वाज गुड एज ऑलवेज, गुड एज ऑलवेज। और टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए खुशखबरी है कि वो अभी तक के सबसे पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं तो ये फिल्म देखनी चाहिए। को कैरी कर रहे हैं पर वो बहुत अच्छे हो सकते थे, वो ठीक ठाक थे। तो मनोज वाजपेयी की एक्टिंग अच्छी लगी मुझे एंड रणदीप हुड्डा की भी, हाँ उन्होंने भी बहुत हंसाया, स्पेशली उनका जो वो बॉस को तो इट वाज गुड। और टाइगर का एक्शन तो है ही मज़ेदार उनका, हाँ वो चर्सी टाइप ही लगा। सबसे अच्छा मेरे को टाइगर, सेकेंड मनोज वाजपेयी एंड रणदीप हुड्डा। Everybody was fabulous, especially Tiger. एक मुझे प्रतीक बब्बर हमेशा से बहुत अच्छा एक्टर लगता था, हालांकि किस्मत खराब है शायद उसको कभी अच्छे रोल्स मिलते नहीं थे, इस बार इंटरेस्टिंग रोल मिला है और अच्छा काम किया है। रणदीप हुड्डा हमेशा से बहुत अच्छा एक्टर है, इनफैक्ट रणदीप हुड्डा के बारे में मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद ही है वो एक्टर। यहाँ इस बार सरप्राइजिंग है कि इस बार टाइगर श्रॉफ ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया जो अक्सर नहीं हो पाता। टाइगर श्रॉफ पहले से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली बोलेंगे तो अच्छा काम किया है। दिशा पटानी का ज़्यादा काम है ही नहीं, ठीक है, मतलब अपने रोल के हिसाब से एवरेज एक्टिंग की है।
मनोज बाजपेयी विलेन के रोल में बहुत अच्छे लगे हैं, और वो रणदीप हुड्डा, उन्होंने भी उनका रोल भी काफ़ी अलग हटके था तो अच्छा काम किया उन्होंने भी। प्रतीक बब्बर सरप्राइज पैकेज में है, बहुत अच्छा काम किया है, उनको एक्चुअली विलन के रोल में आना चाहिए, अगर वो विलन बनेंगे ना तो वो टॉप पे जाएंगे। जो लोग अभी फिल्म देखने जाएंगे उनको आप क्या कहेंगे, आपकी बात सुनकर जाएंगे? मैं कहूँगा ये फिल्म उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि टाइगर की पिछली दो फिल्में फ्लॉप रही हैं, ये फिल्म उनके लिए एक रिवाइवल करके आएगी, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एक बॉलीवुड में नया सुपरस्टार एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ है। Surely you will enjoy the show for sure. Get some popcorn and samosa for yourself. Do go for it. Tiger is a change of the movie. मैं यही कहना चाहूँगी कि दिमाग घर पे रखे हैं, जरा भी नहीं सोचे कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, सिर्फ फिल्म को एंजॉय करें, मजा आएगा। आपको एक्शन फिल्म देखना है आपको, बाकी तू आके देखो। मैं बोलूंगा उनसे मुझे मस्ट एक बार कम से कम जरूर देखने के लिए। पांच में आप कितने स्टार देते हो? तीन स्टार्स। पांच में से मैं इसे ढाई स्टार दूंगा। थ्री एंड हाफ। थ्री। पांच में से मैं तीन स्टार दूंगा। आई वुड गिव अ डिसेंट थ्री एंड हाफ। फोर। पांच में से मैं थ्री स्टार्स दूंगा। थ्री। चार। पाँच में 3.5। पैसा वसूल मूवी है। या पैसा वसूल मूवी है, सबने एक्टिंग अच्छी की है, मेन खासतौर पे टाइगर श्रॉफ के जो फैंस हैं उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। पैसा वसूल है, हाँ, कमर्शियल फिल्म है प्रॉपर। थैंक यू सो मच।